स्थिति में है, इसको सबको हटाइए यहाँ से, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता दी। डीएम साहिबा का दमदार वीडियो वायरल। इसको सबको हटाइए यहाँ से। भ्रष्टाचार दिखा तो अधिकारी की सबके सामने लगा दी क्लास। मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। गुस्से से लाल डीएम बोली, अगली बार छोड़ूंगी नहीं, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता दूं पूरा चेंज होगा मटेरियल, ये थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होगा यहाँ पे। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश के चंदौली से सामने आया है। जो महिला आपको दिखाई दे रही है वो कोई आम महिला नहीं बल्कि चंदौली जिले की डीएम ईशा दुहन है। ईशा के सामने खड़े ये तमाम लोग भी कोई आम लोग नहीं बल्कि अधिकारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उसी के तहत डीएम साहिबा इन सब को लताड़ रही हैं। जब ये चीज आपको पता है कि एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, बाउंड्री वर्क अलग है, तो क्यों नहीं आप लगा सकते। दरअसल बुधवार को ईशा फिरोजपुर में बन रहे आईटीआई कॉलेज का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। डीएम ने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही ईंटों को खुद अपने हाथों से चेक किया तो पाया कि सारा सामान घटिया क्वालिटी का है। बस फिर क्या, डीएम ईशा ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगा दी। डीएम का गुस्सा देख मौके पर मौजूद अफसर चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी सफाई भी पेश कर सके, सफाई छोड़िए चू तक करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। डीएम साहिबा ने साफ शब्दों में कह दिया, अगली बार ऐसा हुआ तो एक्शन लूंगी आप पर भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पर भी, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता दूं। इनका सैंपल लीजिए तुरंत, टेस्टिंग कराइए, और ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड है ये। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई ईशा की तारीफ करने लगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली से सामने आए इस वीडियो को देखने के बाद लोग योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी राज में बड़े अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने की बहुत हद तक जरूरत है। यूपी से सामने आए इस वीडियो को आप भी देखिए। दबंग डीएम ने जिस तरह से अफसरों की गलती पकड़ी और लताड़ लगाई, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। जब ये चीज आपको पता है कि एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, बाउंड्री वर्क अलग है, तो क्यों नहीं आप लगा सकते। मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी, क्लियर रखिएगा, पूरा चेंज होगा मटेरियल, ये थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होगा यहाँ पे। आप किसके मॉनिटरिंग कर रहे हो, लेबर आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, आप लेबर की मॉनिटरिंग करोगे। जब आपको दिख रहा है कि काम शुरू नहीं हुआ, आपको काम शुरू नहीं कराना चाहिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में, जब आपके पर्ट चार्ट में दिया हुआ है तो। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता दूं। इनका सैंपल लीजिए तुरंत, टेस्टिंग कराइए, और ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड है ये।